ठीक है। अब यहां तक आपका जो बेसिक ओवरव्यू मैंने बताया आपको ईएमएमसी क्या है, ईएमएमसी एज अ हार्ड डिस्क अपन बोल सकते हैं। ईएमएमसी मींस आपका हार्ड डिस्क है। ईएमएमसी अगर आपका मोबाइल, अगर आप कंप्यूटर बोलते हैं, ये आपका मोबाइल अगर कंप्यूटर है तो उसमें जो ईएमएमसी आईसी लगी है वो आपकी हार्ड डिस्क है। अब आपको पता ही चल गया कि अगर आपके मोबाइल के हार्ड डिस्क खराब होती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अभी देखो एक बात, एक और डिटेल बात बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी ये जो ईएमएमसी रहती है, इसकी कंपनी रहती है कि ये कौन से कंपनी की आपकी ईएमएमसी आईसी आती है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या रहता है, बहुत लोग मोबाइल खोल लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। अभी देखो दिखने में दोनों आईसी आपको सेम दिखेंगी, सीपीयू ईएमएमसी सेम दिख रहा है। आप कोई भी बोर्ड लो, ये सैमसंग का बोर्ड लो, ये एमआई का बोर्ड लो, आपको दिखने में दोनों आईसी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। लेकिन आपको डिफरेंस पता है क्या भैया, सीपीयू कौन सा है इसमें और ईएमएमसी कौन सा है, आपको पता है क्या? नहीं पता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सीपीयू का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर चाहिए, आपको पता चाहिए सीपीयू कितने टाइप के आते हैं, एमटीके है, क्वालकॉम है, स्प्रेडरम है, उसके बाद आरडीए है, ब्रॉडकॉम है, इंटेल है, आपको पता होना चाहिए सीपीयू कितने टाइप के आते हैं। अगर आप कोई भी मोबाइल खोलते हैं, अगर वो नाम दिखा आपको, सपोज आरडीए दिखा, एमटीके दिखा, ब्रॉडकॉम दिखा, क्वालकॉम दिखा, तो आपका लाइट लग गया, अरे ये तो सीपीयू है। क्योंकि देखो दिखने में दोनों आईसी आपको सेम ही दिख रही, दो बड़ी, हर मोबाइल में दो बड़ी आईसी रहती है और दोनों आईसी आपको दिखने में सेम दिखेंगी, सेम ईएमएमसी और सीपीयू। तो सीपीयू का आपको छेड़खानी नहीं करना है, आपको देखना है ईएमएमसी। सीपीयू में बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं, सीपीयू के क्या प्रॉब्लम रहते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, ईएमएमसी, ठीक है। अब देखो ईएमएमसी की टाइप, कंपनी कितने टाइप की आपकी ईएमएमसी रहती है, ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएमसी कितने टाइप की रहती है, देखो एक आती है आपकी सैमसंग, एक सैमसंग कंपनी की आपकी ईएमएमसी आती है, ठीक है। एक आती है एसके हाइनिक्स, एक क्या आती है एसके हाइनिक्स, थर्ड आती है माइक्रोन, थर्ड क्या आती है आपकी ईएमएमसी माइक्रोन आती है, उसके बाद फोर्थ सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रोन, उसके बाद आती है सैंडिस्क, एस ए एन डी आई एस के सैंडिस्क, ठीक है। कितने टाइप की ईएमएमसी आती है आपकी, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रोन, सैंडिस्क और एक हाइनिक्स आती है, हाइनिक्स। ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी क्या है, मेमोरी है। देखो अभी अब कंप्यूटर और मोबाइल का, यार अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज पता है तो ये देखो, ये कंप्यूटर का भी स्ट्रक्चर वही है, मोबाइल का भी स्ट्रक्चर वही है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगती है, अपने मोबाइल में भी हार्ड डिस्क लग रही है। कंप्यूटर में रैम लगती है, अपने मोबाइल में भी रैम लगती है। ये ईएमएमसी में ही रैम कोई मोबाइल में इनबिल्ट रहती है, कोई मोबाइल में एक्स्ट्रा वो रैम देते हैं। जो भी नए सीपीयू है सैमसंग के, डबल डेकर, डबल लेयर, उसमें रैम उन्होंने क्या दिया, ऊपर से दिया है, अलग से दिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये सैमसंग ईएमएमसी कितने कंपनी की आती है, एक सैमसंग है, एसके हाइनिक्स है, माइक्रोन है, स्कैंडिस है, हाइनिक्स है, और एक दो आती है एक्स वाई जेड। जब जैसा जैसा आप काम करोगे वैसा वैसा आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सी ईएमएमसी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब यही से आप ट्रेसिंग डायग्नोसिंग कर सकते हैं, सीधा सा फंडा। इतने सारे मोबाइल है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इतने सारे मोबाइल है लेकिन उसमें सीपीयू कितने हैं, चार या पांच टाइप, कितने सीपीयू है, चार या पांच टाइप, ठीक है। अगर 5,000-10,000 मार्केट में मोबाइल है, सीपीयू कितने हैं, चार या पांच टाइप, ठीक है। उसके बाद ईएमएमसी, ईएमएमसी कितनी है, चार या पांच टाइप की, कितनी एमएमसी है, चार या पांच टाइप की, मींस एक ही आईसी
हर मोबाइल में कितनी बार लग रही है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर डिटेल स्ट्रक्चर अगर पता करना है, डिटेल रिपेयरिंग अगर सीखना है, तो आपको यूट्यूब नहीं देखना है, वीडियो नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। वो यूट्यूब में भी सब फेक नॉलेज है, गूगल में भी फेक नॉलेज है। ये जो रियल फैक्ट है ये आप ध्यान में रखो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। रियल फैक्ट एक काम करने का तरीका समझ लो, काम करने का तरीका समझ लो कि टाइप्स ऑफ सीपीयू मोबाइल रिपेयरिंग का, आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, सबसे पहली बात आप देखो टाइप्स ऑफ सीपीयू। टाइप्स ऑफ सीपीयू में देखा अपन ने एमटीके आते हैं, एसपीडी आते हैं, क्वालकॉम आते हैं, ब्रॉडकॉम आते हैं, ज्यादा सीपीयू नहीं आते, हार्डली मोटा मोटी 7-8 सीपीयू आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ईएमएमसी, उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ ईएमएमसी, ये देखो ये हो गया आपका ईएमएमसी, ये क्या हो गया आपका ईएमएमसी, ठीक है। और सीपीयू मैंने बताया एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी, आरडीए, ब्रॉडकॉम, इंटेल, ये देखो एक ईएमएमसी का फंडा, ईएमएमसी सैमसंग, एसके आइनिस, माइक्रोन, स्कैंडिस, हाइनिस, इतनी ईएमएमसी आती है आपके मोबाइल में। एमटीके, क्वालकॉम, एसपीडी, आरडीए, ब्रॉडकॉम, इंटेल, एक्सवाईजेड, ये आपके सीपीयू है। अब देखो मोबाइल कितने सारे हैं, अनलिमिटेड मोबाइल है, मोबाइल कितने सारे हैं, अनलिमिटेड मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, आपको अभी ब्रांड नहीं देखना है, आपको क्या करना है ब्रांड नहीं देखना है, अब सीपीयू को बेस बनाओ। सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो आप सीपीयू को बेस बनाओ, हार्डवेयर का काम कर रहे हैं तो आपको सीपीयू का तो बेस बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ईएमएमसी का भी बेस बनाना पड़ेगा। आपको ईएमएमसी पता रहनी चाहिए सैमसंग है कि एसके हाइनिक्स है कि माइक्रोन है कि स्कैंडिस है कि हाइनिक्स है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है। अगर आप ईएमएमसी निकालते हैं उसका प्रोग्राम करते हैं तो हर आईसी का प्रोग्राम करने का तरीका अलग अलग है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है क्या? हर आईसी का एक काम करने का तरीका अलग अलग है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग तो करते हैं अपन, प्रोग्रामिंग बाद में सीखेंगे अपन, लेकिन हर आईसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। अभी देखो अब मोबाइल रिपेयरिंग इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जो बताते हैं ऐसा है वैसा है, ये ऐसा कुछ है, सिंपल वे में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। सिंपल वे में आपको क्या देखना है, सीपीयू देखना है, आपको सीपीयू का स्टडी करना है, सीपीयू का बेस बनाना है, एक एक ये बड़ा टॉपिक है। उसके बाद सेकंड बड़ा टॉपिक लेते हैं आप ईएमएमसी है, ठीक है। सेकंड बड़ा टॉपिक क्या लेते हैं आप, ईएमएमसी है, ईएमएमसी का बेस बनाओ। ईएमएमसी में सबसे मोबाइल का हार्ड डिस्क हो गया, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, माइक्रोन, स्कैंडिस, हाइनिक्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ईएमएमसी हो गया, ठीक है। अभी जो दोनों आईसी है मोबाइल में, आपने सीपीयू भी देख लिया, ईएमएमसी भी देख लिया, सॉफ्टवेयर का काम करना है तो सीपीयू बेस, सीपीयू का बेस बना के आप सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्डवेयर का काम करना है तो सीपीयू तो देखना ही पड़ेगा आपको, साथ में आपको ईएमएमसी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 50% प्रॉब्लम आज के डेट में किसकी वजह से आ रहे हैं, ईएमएमसी की वजह से आ रहे हैं। समझ गया, समझ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा यार, आप मोबाइल खोलेंगे आपको पता ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं पता सीपीयू कौन सा ईएमएमसी कौन सा, आप हिट मार के रख दोगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, डायग्नोस नहीं, ट्रबल शूटिंग नहीं, कुछ तरीका आपको पता नहीं है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गया यहाँ तक, काफी कुछ चीजें अभी आपकी क्लियर हो गई, हो रही है धीरे धीरे काफी कुछ चीजें, ठीक है। अब एक और छोटा सा रफली टॉपिक लेते हैं, अब एक और छोटा सा रफली टॉपिक लेते हैं। देखो अब जिस टाइप से आपके मोबाइल में ईएमएमसी आईसी लगती है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जिस टाइप से आपके मोबाइल में ईएमएमसी आईसी लगती है
उसी टाइप से आपके मोबाइल में भी EMMC का एडवांस वर्जन आ रहा है, UFS UFSIC, ये है EMMC IC, ठीक है। जिस टाइप से आपके मोबाइल में EMMC IC अपन ने देखी थी EMMC, उसी टाइप से एक आती है UFS IC, ठीक है। जिस टाइप से EMMC IC है उस टाइप से आपकी UFS IC है। मीन्स अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कुछ मोबाइल में EMMC IC लगी आ रही है, कुछ मोबाइल में UFS IC लगी आ रही है। दिखने में दोनों सेम दिखती है, IC IC है। आपको उसको पता करना होगा, गूगल से गूगल करना पड़ेगा आपको कि आपके मोबाइल में EMMC लगी है या UFS लगा है। अभी देखते हैं अपन UFS के बारे में, ठीक है।